दोस्तों बिल्लों का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ इतिहासकारों ने बिल्लों को द्रविड़ से पहले का भारतीय निवासी माना है, तो कुछ ने बिल्लों को द्रविड़ ही माना है। मध्यकाल में भील राजाओं की स्वतंत्र सत्ता थी। 11वीं सदी तक भील राजाओं का शासन विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। इतिहास में अन्य जनजातियों जैसे मीना आदि में कुछ अच्छे समझ रहे हैं। 36वीं एक भील राजा का पराक्रम देखने को मिलता है, जहाँ मालवा के भील राजा हाथी पर सवार होकर विविध क्षेत्र में होकर युद्ध करने जाते हैं। तब सिकंदर ने मिनाइडर के जरिए भारत पर हमला किया। इस दौरान सिवी जनपद का शासन भील राजाओं के हाथों में था। भील पूजा और हिंदू पूजा में काफी समानताएं मिलती हैं। एडर में एक शक्तिशाली भील राजा हुए, जिनका नाम मांडलिक रहा। मांडलिक ने ही गुहिल वंश अथवा मेवाड़ के प्रथम संस्थापक राजा गुहिलदित्य को अपने एडर राज्य में रखकर संरक्षण दिया था। गुहादित्य राजा मांडलिक के राजमहल में रहता और भील बालकों के साथ घुड़सवारी करता। राजा मांडलिक ने ही गुहादित्य को कुछ जमीन और जंगल दिए। आगे चलकर वही बालक गुहादित्य इडर साम्राज्य का राजा बना। गुहिल वंश की चौथी पीढ़ी के शासन नागदित्य का व्यवहार भील समुदाय के साथ अच्छा नहीं था। इसी कारण भीलों और नागदित्य के बीच युद्ध हुआ और भीलों ने इडर पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। बप्पा राहुल का लालन पालन भील समुदाय में किया और बप्पा को राहुल की उपाधि भील समुदाय ने ही दी। बप्पा राहुल ने भीलों के सहयोग पाकर अरबों से युद्ध किया। खानवा के युद्ध में भील अपनी आखिरी सांस तक युद्ध करते रहे। बाबर और अकबर के खिलाफ मेवाड़ में राजपूतों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर युद्ध करने वाले भील ही थे। मेवाड़ और मुगल समय में भील समुदाय को उच्च ओहदे प्राप्त थे। तत्कालीन समय में भील समुदाय को रावत भूमिया और जागीदारी कहा जाता है। राणा पुंजा भील और महाराणा प्रताप की आपसी युद्ध नीति से ही मेवाड़ मुगलों से सुरक्षित रहा। हल्दीघाटी का युद्ध में राणा पुंजा जी ही और उनकी सेना महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी कारण मेवाड़ जिले में एक तरफ महाराणा प्रताप और एक तरफ राणा पुंजा भील की अर्थात राजपूत और भील का प्रतीक चिन्ह अस्तित्व में आया। मुगलों के बाद जब मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब भी भील मेवाड़ के साथ खड़े रहे। भील मराठा शासक वीर शिवाजी के साथ खड़े रहे। भील और राजपूतों में खान पान होता है। गुजरात के डांग जिले के 5 भील राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों को युद्ध में हरा दिया। लश्करिया अंबान में सबसे बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध को डांग का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। डांग के ये 5 भील राजा भारत के एकमात्र वंशानुगत राजा है और इन्हें भारत सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है। आजादी के पहले ब्रिटिश सरकार इन राजाओं को धन देती थी। गुजरात में 1400 ईस्वी पूर्व के दौरान भील राजा का शासन गुजरात केटर डांग अहमदाबाद और चंपानेर पावागढ़ में लंबे समय तक भील राजाओं का शासन रहा। राजस्थान में कोटा बांसवाड़ा डूंगरपुर मनोर थाना कुशलगढ़ भीनमाला प्रतापगढ़ भोमर क्षेत्र और जगगढ़ में भील राजाओं का शासन लंबे समय तक रहा। भील लोग आम जनता की सुरक्षा करते हैं और यही भोलाई नामक कर वसूलते हैं। सिसोदा के भील राजा रोहितास भील रहे। मध्य प्रदेश में मालवा पर भील राजाओं ने लंबे समय तक शासन किया। अगर जाबुआ अंबाकाश्वर और अलीराजपुर पर भील राजाओं ने शासन किया। इंदौर स्थित भील पटलम का नाम बदलकर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र रखा गया। मध्य प्रदेश राज्य गठन के पूर्व यहां पर भील सेना प्रशिक्षण केंद्र था। मालवा की मालवा भील कॉर्पस। छत्तीसगढ़ का प्रमुख शहर भिलाई का नामकरण भील समुदाय के आधार पर हुआ। महाराष्ट्र में कई भील विद्रोह हुए, जिनमें खानदेश का भील विद्रोह प्रमुख रहा। 1661 में राजपूतों ने भीलों के साथ मिलकर औरंगजेब को हरा दिया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताना। अगर आज इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाली ऐसी जानकारियां की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए NH Point YouTube चैनल को। गुड बाय।